focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. जैसा आप कह रहे हैं कि किस मुंह से बनाएंगे? बिल्कुल, पिछले चार सालों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की राजनीति हम लोग देखे, ऊना में दलितों का चमड़ा उधेड़ा गया, ऊना के विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला, रोहित वेमुला की माताजी राधिका वेमुला और इस देश के अनगिनत आंबेडकर राइट और प्रगतिशील साथी रोहित वेमुला के लिए जस्टिस मांग रहे, उसको भी न्याय नहीं मिला। सहारनपुर में सैकड़ों लोगों के घर जलाए रहे, मोदी जी मौन रहे। भारत बंद के 2 अप्रैल के दौरान सैकड़ों लोगों के ऊपर, अनगिनत लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, 11 लोग मारे गए, मोदी जी मौन रहे। तो इन सारे मामलों में उनका जो भेदी एक डुबियस जो उनका कैरेक्टर रहा है, तो मुझे लग रहा है उनका अधिकार नहीं बनता कि बाबा साहब के स्टैचू को हाथ लगाए। मांगे तो साफ है, यदि केंद्र की भाजपा सरकार दलित और आदिवासी विरोधी नहीं है तो दलित और आदिवासी समाज को ये गारंटी दे, 14 अप्रैल के पहले हम ऑर्डिनेंस लाकर भी इस कानून को बचाएंगे और इन दोनों जजेस के सामने इम्पीचमेंट का मोशन मूव हो, ऐसा प्रस्ताव सारे दलित और आदिवासी एमपीज को सरकार के सामने रखना चाहिए, ऐसा हमारा अपील है। यदि वो इस एट्रोसिटी के कानून को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर किस मुंह से बाबा साहब के स्टैचू को माला पहनाने के लिए जाएंगे? हाँ, वो बाबा साहब के नाम पे कुछ स्टैचू खड़ा करेंगे, किसी फ्लाईओवर के साथ, किसी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स के साथ बाबा साहब का नाम जोड़ देंगे और फिर जमकर ऊना में दलितों की चमड़ी उधेड़ी जाएंगी, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या होगी, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल दिया जाएगा, फर्जी मुकदमे में आंबेडकर को चुन चुन कर भारत बंद के कॉल के साथ लिंक करके उनके सामने मुकदमे दर्ज हो गए। तो जिनका एजेंडा ही पूर्ण रूप से ब्राह्मिनिकल और कास्टिस है, वो चाहे कितने भी सत्ता मना ले, इस बार दलितों ने तय कर लिया है 2019 में भाजपा को मजा चखाए। डिमांड सब, मैंने कहा कि सरकार सबसे पहले तो हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल उनके सामने जितने भी फर्जी मुकदमे दर्ज हुए वो सारे केसेस वापस लिए जाए, कुछ लोगों के खिलाफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण की तरह रासुका भी लगा दिए। एक आदमी दलील के तौर पे मान के चलिए, मैं किसी आंदोलन में जुड़ा और एक पर्टिकुलर दिन मेरे हाथों कदी, यदि मान के चलिए हाइपोथेटिकली हिंसा हो गई, तो उसके बेसिस में मैं पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। ये रासुका लगाने के पीछे ऐसे ही अचानक आप किसी के ऊपर आंसू का नहीं लगा सकते, तो कहीं ना कहीं स्टेट आंबेडकर राइट्स लोग जो मूवमेंट में लगातार पार्टिसिपेट करते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये सारे मुकदमे दर्ज कर रही है। राजस्थान में बेनीवाड़ा जो नीम का थाना पुलिस थाना है, वहां पर बहनों ने पुरुषों की हत्या की कोशिश की, ऐसे मुकदमे दर्ज किए, तो सारे केस वापस लिए जाने चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये पूर्ण रूप से साजिश है, शमशान और कब्रस्तान वाला पॉलिटिक्स ना चले तो दलित बनाम सवर्ण किया जाए, मोदी जी का ये एजेंडा 2019 के लिए हो सकता है। दलित और आदिवासी समुदाय से जो लोग एमपी बने हैं और इस देश के पार्लियामेंट में बैठे हैं, यदि उनका जमीर मरा नहीं है तो उनको हम ये प्रपोज करना चाहते हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि आप इस कानून के खिलाफ एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट आया, जो एक तरह से जुडिशियल एट्रोसिटी हमको लग रही है, इस कानून को बचाने के लिए आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सारे एमपीज माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाएं इस डिमांड को लेकर कि इन दोनों जजेस का इंपीचमेंट का मोशन मूव किया जाए। एक जुडिशियल एट्रोसिटी है और इसमें केंद्र की भाजपा सरकार की भूमिका बेहद ही संदिग्ध है और जाने मानो कि कोई षड्यंत्र के भाग रूप ये पूरा जजमेंट आया हो। इस प्रकार की इस देश के दलित समाज को फीलिंग है, उनके सेंटीमेंट डीपली हर्ट हुए हैं और ये इस देश के 30 करोड़ दलित और आदिवासियों के ऊपर का एक जबरदस्त किस्म का हमला है। जब अटॉर्नी जनरल को नोटिस इश्यू किया गया तब उनकी भूमिका यह बनती थी वो खुद अपीयर हो, बजाय उसके उनके जूनियर को भेज दिया और उन्होंने इस देश के दलित और आदिवासी किन परिस्थितियों में जीते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आज भी किस प्रकार की अनटचेबिलिटी, कास्ट वायलेंस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस देश में मौजूद है, उसका पूरा चित्र उनको एपेक्स कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। ऐसा कुछ भी एफर्ट उनकी ओर से नहीं हुआ, बल्कि उनका जो रोल रहा वो एक तरह से डूबियस रहा।
और उसके चलते 2 अप्रैल भारत बंद का कॉल दिया गया। तो इस जजमेंट से लेकर 2 अप्रैल के बीच के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार के पेट का पानी नहीं हिला। मानो वो जैसे टेस्ट करना चाहते हो कि दलित इसको लेकर, आदिवासी इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे, एक तरह से वो टेस्ट करना चाहते थे। और फिर जब दलित हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे और 11 लोग मारे गए, हजारों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, और खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अनगिनत अंबेडकर राइट्स के ऊपर फ्रिवलस केसेस दर्ज किए गए। पुलिस स्टेशन में आईबी के पास सारे लोग जो लगातार आंदोलन के दौरान रैलियों में, धरने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लिस्ट होती है, वो लिस्ट मंगवा कर उनको टारगेट करने की मंशा के साथ उनके सामने फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। यहां तक कि रानीवाड़ा और राजस्थान के दूसरे इलाके नीमका थाना पुलिस स्टेशन में बहनों ने कुछ पुरुषों की हत्या की कोशिश की गई हो, उस तरह के 307 के भी ऑफेंस दर्ज किए गए। कुछ लोगों के ऊपर आंसू का भी लगी। बावजूद इन सारी परिस्थितियों के, खुद को 2 साल पहले अंबेडकर भक्त डिक्लेयर करने वाले इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। तो हम ये पूछना चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि 2 दिन के बाद 14 अप्रैल है, तो आप कौन सा मुंह लेकर बाबा साहब को माला चढ़ाने जाएंगे? साथ साथ इस देश के सारे अंबेडकर राइट्स और ट्राइबल लीडर्स को ये अपील करते हैं कि किसी भी किस्म की हिंसा कतई ही न हो, इस बात को सुनिश्चित करते हुए पूरे देश में जगह जगह पर जहां पर भी बाबा साहब के स्टेच्यू को माला पहनाने का नाटक माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर भाजपा को कोई भी नेता करे, तो उनका डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट हो, उनके सामने उनको काले झंडे दिखाए जाए, उनका जमकर विरोध हो, और उनके सामने ये कंडीशन रखी जाए कि आप इसी शर्त पे बाबा साहब को माला पहना पाएंगे, क्या आप इस बात का हमको गारंटी दें कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की भाजपा सरकार को कहेंगे कि वो इम्पीचमेंट का मोशन इन दोनों जजेस के सामने मूव करें। तो साथियों, 14 अप्रैल बहुत करीब है। जिस प्रकार से ऊना में दलितों का उत्पीड़न हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, सहारनपुर में घर जलाए गए, भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद को आज भी फर्जी मुकदमे में, जैसे कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, इस प्रकार से रासुका के अंदर लगातार रासुका को एक्सटेंड करते उनको जेल में डाला गया है, वो आज अनशन पे, उनकी हालत खराब है। राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह पे फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। तो साफ तौर पे लग रहा है, जैसा कि किसी साथी ने कभी रिसेंट आर्टिकल में लिखा था कि मोदी जी के होठों पर अंबेडकर है और दिल में मनुस्मृति वाले मनु। तो इस परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि यदि सरकार की मंशा गलत नहीं, तो 14 अप्रैल के पहले इस देश के दलित और आदिवासियों को आश्वस्त करें कि यदि रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तब भी वो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और इस स्पेशल लेजिस्लेशन को हर कीमत पे बचाएंगे। और दोबारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सारे एमपीज को हम लोग ये अपील करते हैं कि आप प्रधानमंत्री के सामने इन दोनों जजेस के इंपीचमेंट का मोशन मूव करने का प्रस्ताव रखिए।